सो हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक है। आज मैं अपने व्लॉग चैनल के लिए बना रहा हूँ व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं लुधियाना में द कैट कैफे, जो मेरे कजिन भैया का है। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, और अगर मेरी बुआ भी हुए तो मैं आपको उनसे ही मिलाऊंगा। तो मेरे कजिन भैया का नाम है सुमीर, और अभी हम निकल चुके हैं जीरकपुर से। सो वी आर हेडिंग टू लुधियाना। सो अभी 1-2 महीने से हमारा फास्टैग जो था ना, उसके अंदर से पैसे कट रहे थे। कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, कोई बैंक भी कुछ नहीं बता रहा था। तो जब हम बैंक के पास गए, जब पापा गए थे बैंक के पास, उन्होंने बताया कि वो हैक हो चुका है। तो अभी हम आए हैं फास्टैग वाली स्टॉल पर, एंड हम अपना फास्टैग लगवा रहे हैं पूरा नया, क्योंकि पुराना वाला हो गया था हैक। सो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो, आपको कोई मैसेजेस ना आए और पैसे कट रहे हैं, तो आप ज़रूर बैंक के पास जाके उनसे पूछना। सो अभी पापा ने बैंक को क्लोज करने की, फास्टैग क्लोज करने की रिक्वेस्ट तो दे दी है। सो अभी 2-3 डेज में रिक्वेस्ट भी हो जाएगी। भैया का कैफे, अब मैं आपको इसका पूरा अंदर से दिखाता हूँ क्या क्या है। मेरे वहाँ पे कैट है वो रही, और यहाँ से एंट्री है। अब मैं आपको अंदर, देखो यहाँ पे पूरी बुक की वॉल है। और ये हमारे बुआ जी और फूफा जी। हेलो तो कर दो। ये रहे हमारे भैया। भैया हेलो बोलो। वॉशरूम है ना, भैया हेलो। तो यार मैं व्लॉगिंग कैमरे के बारे में आता हूं। सो ये रहा मेन्यू का फर्स्ट पेज, और ये रहा हमारा पूरा मेन्यू। ये देखो यहाँ पे एक चॉकलेट पेस्ट्री है, यहाँ पे चीज केक, यहाँ पे केक स्टिक, यहाँ पे ब्राउनी और कप केक और डोनट। हेलो बोलो। और ये रही बुआ जी। बुआ जी हेलो बोलो। ब्लॉग पर तो बनाई मेरा भैया के कैफे का लोगो। हमारा ये पहला पिज्जा आ चुका है, अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये आ गया दूसरा। तो ये रहा भैया के कैफे का पास्ता, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये देखो, ये एक पूरी डिश है। ये पोटैटो है, ये पनीर है, वो वेजीज है, और ये सॉस। हमने खा पी लिया है, और खाना बहुत बहुत टेस्टी था। अभी मैं भैया से इनका एड्रेस लूँगा और यहाँ पे नीचे लिखूँगा, यहाँ पे आएगा आपको एड्रेस। अगर आप लुधियाना के आसपास हो तो आप ज़रूर आ सकते हो, बहुत अच्छा खाना था। बाय, अभी गाड़ी में मिलता हूँ। पे सबका फोटो सेशन हो रहा है, सारे हेलो बोलो। सो अभी हम भैया के कैफे से वापस जा रहे हैं घर को, और हमको खाना तो काफी अच्छा लगा। अगर आप लुधियाना के आसपास या फिर लुधियाना में रहते हो, जरूर ट्राई करना। मैं एक बार फिर से इधर यहाँ पे एड्रेस होगा, वहाँ पे जाके जरूर चेक करना और रिव्यूज देना कमेंट्स में। बाय।